नमस्कार दोस्तों, अन अकेडमी आपके लिए लेके आया जेनिथ बैच, जो बच्चे एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सीबीएसई क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं और इवन जो स्टेट बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 5 मई 2021 से बैच शुरू हो रही है और ये करीब करीब चलेगी 28 मई 2022 तक। करीब 1 साल तक ये चलने वाली बैच है, जिसमें अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। दोस्तों, आप पवन वाग कोड यूज़ करके अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि अन अकेडमी पर आपको क्या मिलता है। तो कंफर्ट जोन में रह के आप पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स मिलते हैं, बैच कोर्सेज मिलते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस आपको यहाँ अवेलेबल है। साथ ही में जो कोर्सेज होते हैं वो बहुत बढ़िया से वेल स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं। हर चौथा सेशन जो होता है वो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है और आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाती है। स्टडी मटेरियल आपको पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाता है। दोस्तों, आप प्लस और आइकॉनिक ऐसे दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, वो ले सकते हैं। अभी जो मैंने फीचर्स बताया वो सारे के सारे प्लस के हैं और आइकॉनिक में आपको मिल जाता है पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट का गाइडलाइन और टेस्ट एनालिसिस। बहुत कुछ है जो आपके लिए अन अकेडमी पर अवेलेबल है। आप अन अकेडमी पर साथ में आईआईटी जेई के साथ में 11th 12th का जो कोर्स है वो कॉम्बो ऑफर है, जो कि 81,000 के आसपास आता है, वो करीब करीब आपको पड़ता है 65,000 अगर आप यहाँ पर जो है पवन वाग कोड यूज़ कर लेते हो। तो दोस्तों, यहाँ पर अलग अलग मंथ्स के लिए अलग अलग इसके ईयर्स के हिसाब से यहाँ पर फीस है। प्लस की और आइकॉनिक की अलग अलग फीस है। आप यहाँ का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। 48 मंथ्स के लिए कहा जाए तो 48 मंथ्स मतलब ये कि 2 साल आप जेई नीट फाउंडेशन में पढ़ेंगे और 2 साल आप आईटी जेई में या नीट में पढ़ेंगे। तो ये आपके ऊपर है आप किस तरह से सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं। अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है। 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है आपके लिए 17,500 का है, लेकिन वो पवन वाग कोड यूज़ करके आपको 15,750 में पड़ेगा। और 2 साल का कोर्स जो है प्लस का वो 21,000 का है, जो आपको 1,800 पड़ेगा पवन वाग कोड यूज़ करके। तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, ज्वाइन कीजिए अन अकेडमी बाय यूजिंग रेफरल कोड पवन वाग। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पवन वाग अकेडमी और मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे। दोस्तों, आज हम आखिरी वीडियो पर हैं क्योंकि हमने अब तक सब पूरा का पूरा सिलेबस खत्म कर दिया है और आज हम आखिरी पार्ट जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग द साइन ऑफ 4, जो कि चौथा मॉड्यूल है 4.4 यूनिट, उसके आखिरी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन पर हम हैं। और आज का ये वीडियो खत्म करने के बाद हम क्लास 12 का सिलेबस पूरी तरह से कर चुके होंगे, ठीक है? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ। द साइन ऑफ 4 आर्थर कोनन डॉयल द्वारा लिखित ये नॉवेल है और इस नॉवेल को हमने पूरी तरह से देख लिया है। इसका सिनॉप्सिस देखा है, जिसको हम समरी कहते हैं, फिर इसका थीम और इसका प्लॉट देखा है और बाद में उसके जो दो चैप्टर्स एज ए एक्सट्रैक्ट बुक में दिए गए थे वो भी हमने देख लिए हैं। अब उसमें हमने क्या देखा है, एक्सट्रैक्ट की बात अगर करते हैं तो चैप्टर 2 में हमने देखा कि कैसे मेरी मॉस्टन डॉक्टर होम्स और डॉक्टर वॉटसन और शेरलॉक होम्स को मिलने आती है और उनको अपनी कहानी बयान करती है और कहती है कि मेरी जो मालकिन है वो भी आपके पास आ चुकी है और आपकी मदद ले चुकी है और उन्होंने मुझे आपका नाम सुझाया है। और फिर वो उसकी पूरी कहानी बताती है कि कैसे उसके पिता भारत में तैनात थे और फिर किस तरह से बहुत दिनों की नौकरी करने के बाद जब मैं छोटी थी तब से वो भारत में थे और मुझे यहाँ पर हॉस्टल में एडिनबर्ग में एक हॉस्टल में रखा गया था और 17 साल के बाद जब वो लौटकर भारत से इंग्लैंड आए तो मुझे उन्होंने खत लिखा था कि आप मुझे मिलने के लिए लंदन में लैंगम होटल में आओ। पर जब वो जाती है तो वहाँ उसके पिता नहीं मिलते और 10 साल के बाद वो कहती है कि फिर वो गायब हो गया और उसी के कुछ साल बाद वो उसी दिन उनको कुछ हर साल एक मोती मिलने लगा। आज 6वां साल है और आज भी मुझे एक मोती मिला और उसके साथ में एक खत भी मिला है जिसमें लिखा था कि अगर आपको आपके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है और अगर आपको उस अन्याय का निराकरण करना है, अगर आपको न्याय खुद के साथ करना है तो आकर मिलिए। और कहाँ पर आकर मिलिए, तो लाइसियम थिएटर के पास। इसलिए वो कहती है शेरलॉक होम्स और डॉक्टर वॉटसन की मदद लेकर उनके साथ वहाँ मिलने के लिए जाती है। जब उनको वहाँ पर ले जाया जाता है, अभी मैं चैप्टर 3 की बात कर रहा हूँ कि वो लाइसियम थिएटर जाते हैं और लाइसियम थिएटर में जाने के बाद उनको वहाँ पर एक कोचमैन मिलता है जो उनको पूछता है कि कहीं आप में से कोई पुलिस तो नहीं है, और जब वो बताते कि नहीं तो उन्हें गाड़ी में बिठा करके लंदन के बाहर एक छोटे से मतलब बहुत ही बहुत अच्छे अच्छा कस्बा नहीं कहा जाएगा, बहुत अमीर एरिया नहीं कहा जाएगा, ऐसे छोटे से एरिया में वो लेकर जाता है। वहाँ दरबार, वहाँ पर जो खदमतगार होता है वो दरवाजा खोलता है और उनका बॉस उन्हें बुला लेता है। इतना एक्सट्रैक्ट की स्टोरी है ना, मैं एक्सट्रैक्ट की ही बात कर रहा हूँ क्योंकि सारे हमारे जो सवाल होने वाले हैं वो सभी एक्सट्रैक्ट पर बेस्ड रहने वाले हैं, ठीक है?
तो सबसे पहले है कैरेक्टर ऑफ डॉक्टर वॉटसन। डॉक्टर वॉटसन के कुछ गुण हमें यहाँ पर इस कहानी से कौन कौन से गुण हमें पता चलते हैं ये हमें लिखना है। तो सबसे पहला उनका जो गुण है वो हम कहेंगे कि वो बहुत ही गुड ऑब्जर्वर है, मतलब वो बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को देखते हैं। इज अ गुड ऑब्जर्वर कह सकते हैं, है ना, जो कि एक डिटेक्टिव को होना भी चाहिए। दूसरा हम कहेंगे कि वो बहुत ही एडवेंचर लविंग है। कैसे एडवेंचर लविंग? देखो जब वो तीनों भी लाइसियम थिएटर के बाहर जा रहे हैं, लाइसियम थिएटर के बाहर किसी को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके मन में डर तो है, पर डर के बावजूद भी वो जाते हैं, वो खुद को रोकते नहीं, वहां जाते हैं। क्यों? कि उन्हें पता है कि कुछ बहुत ही हम जो सोच रहे हैं उसके विपरीत होने वाला है, फिर भी वो जाते हैं। तो वो एडवेंचर लविंग उनको कह सकते हैं। वो बहुत ही केयरिंग है और लविंग भी है, है ना, क्योंकि वो मिस मॉर्टन से प्यार करने लगते हैं, इसलिए हम लविंग करें। केयरिंग इसलिए कह रहे हैं कि उनको मिस मॉर्टन की जो सारी कहानी है वो उनको बहुत ही दुख भरी लगती है, और वो इसीलिए उनकी हर तरह से मदद करने के लिए तैयार होती है। अब ये कहाँ पर पता चलता है? जब मिस वॉटसन उनको शेरलॉक होम्स के घर आती है और उनको बताना चाहती है, तो वहां पर डॉक्टर वॉटसन उठ जाते हैं और कहते हैं कि ठीक है आप दोनों बात कीजिए, मैं चलता हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी। पर मिस वॉटसन कहती है कि शेरलॉक होम्स अगर आपके दोस्त को कोई एतराज ना हो तो मैं, वो भी यहाँ पर बैठ कर मेरी कहानी सुन सकते हैं, मैं जो कुछ कह रही हूँ वो सुन सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है, वैसा वो कहती है। तो वो कहने के बाद वो तुरंत वहीं बैठ जाते हैं, वहां से जाते नहीं है। तो इसमें ये भी पता चलता है कि उनको भी थोड़ी सी उसकी क्या कह सकते हैं, केयर वो कर रहे हैं उसकी, ठीक है। तो ये चार लिख रहे हैं, पर इसके बावजूद इसके अलावा भी बहुत सारे गुण हम उनके बारे में कह सकते हैं कि कैसे वो हेल्पफुल है, है ना। फिर बाद में आएगा शेरलॉक होम्स का क्या है कैरेक्टर? सबसे पहली बात, वो बहुत ही क्लेवर है, उनको इंजीनियर्स भी कहा जाता है। इंजीनियर्स मतलब बहुत ही शातिर, है ना। नंबर दो, गुड ऑब्जर्वर, ये भी बहुत ही अच्छी तरह से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं और देख करके चीजों को भाप लेते हैं, समझ लेते हैं, इज अ गुड ऑब्जर्वर, ठीक है। तीसरी बात, वो बहुत ही भावनाओं पर काबू पाने वाले हैं, तो उनको हम कह सकते हैं इमोशनलेस, मतलब आते नहीं होंगे ऐसा नहीं, बट उसको हम कहेंगे मैनेजेस इमोशंस, है ना, अपनी भावनाओं पर बहुत ज्यादा काबू वो रखते हैं कि किसी भी तरह से अपने जो विचार है उन पर वो भावनाओं को हावी नहीं होने देते हैं, और बहुत ही हेल्पफुल भी है। जैसे ही मेरी मास्टर उनको उनका उनकी मदद मांगने आती है, वो ना नहीं कहते, वो मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में मेरी मास्टर की भी कैरेक्टर्स हमको यहाँ पर लिखने हैं। मेरी मास्टर, तो उनके क्या कैरेक्टर्स हैं? तो पहला उनका कैरेक्टर है, शी इज क्या कह सकते हैं, शी इज वेरी उनका पहराव, सबसे पहले तो उनका जो पर्सनैलिटी है, उनकी जो उनका जो पहराव है, शी इज वेल ग्रूम्ड, है ना, मतलब अच्छे घर से वो आती है, अच्छे संस्कार उस पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। उसके बाद में वो बहुत ही काम और कंपोज है, काम और कंपोज है, मतलब अपनी भावनाओं को अपने चेहरे पर वो बहुत जल्दी से आने नहीं देती है। उसके बाद में हम कह सकते हैं कि वो एक जैसे ये कह रहे हैं, शेरलॉक होम्स कहते हैं कि यू आर एन आइडियल क्लाइंट, मतलब वो हर एक चीज को बहुत अच्छी तरह से आइडियल क्लाइंट है ना, और सबसे बड़ी बात है वो बहुत ही स्ट्रांग है ना। स्ट्रांग कैसे है? देखिए
जैसे डॉक्टर वॉटसन को थोड़ा सा डर लग रहा है लाइसियम थिएटर को जाते हुए, वैसे मेरी को भी डर लग रहा है, पर वो इतनी बहादुर है कि वो डर के बावजूद वो जाती है, वो मतलब नकारती नहीं है। ठीक है, डर तो हर इंसान को लगता है, पर डर के ऊपर वो काबू पाती है। और यही नहीं, तो जब उसे पेपर में भी इश्तिहार छपता है कि मेरी मास्टर जो भी है वो अपना पता बता दे, क्योंकि ये उनके भी फायदे का होगा, तो वो बता देती है, तो डरती नहीं है, वो स्ट्रांग है ना। तो ये चीजें हम उनके बारे में कह सकते हैं। तो ये हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके कुछ गुण उसमें हमने देखे। अभी दूसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ मेरी मॉर्स्टन फ्रॉम डॉक्टर वॉटसन्स पॉइंट ऑफ व्यू। वॉटसन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको मेरी मॉर्स्टन का कैरेक्टर देखना है। अभी देखिए, वॉटसन के नजरिए से देखना है तो नंबर वन, शी इज ब्यूटिफुल, वेल ग्रूम्ड, शी इज वेरी वेरी व्हाट यू कैन से मैनर्ड लेडी, है ना, नंबर वन। नंबर टू, वो बहुत ही अच्छी औरत है, और अभी संकट में फंसी हुई है तो उनकी मदद करना उनको चाहिए, ऐसा उसको लग रहा है ना। दो बातें। तीसरी बात है कि जब वो सोचते हैं कि भाई इसके पास तो इतनी सारी दौलत है, खजाना इनको मिलने वाला है, वो उसे पसंद करने लगते हैं। ही लाइक्स हर एंड ही वॉन्ट्स टू मैरी हर, बट थिंक्स दैट बिकॉज शी इज गोइंग टू गेट अ पार्ट ऑफ ट्रेजर एंड शी ऑल्सो ओन सम वेरी वैल्यूएबल पर्ल्स एंड ही हैज अ वेरी वीक बैंक बैलेंस, सो एनीबडी और एवरीबडी वुड थिंक दैट ही इज मैरिंग हर जस्ट फॉर हर मनी एंड देयरफॉर ही डज नॉट वॉन्ट टू प्रपोज अ मैरिज टू हर, है ना। तो उनके नजरिए से देखा जाए तो वो समझते हैं कि वो बहुत अमीर है, उनको खजाना मिलने वाला, खजाने का कुछ हिस्सा मिलने वाला है उनको, उनके पास मोती है तो वो पैसे वाली है, और मेरे पास तो बहुत ही कम पैसा है, मेरा बैंक बैलेंस बहुत ही वीक है, और अगर ऐसे में मैं उनसे शादी उनको शादी का प्रस्ताव दूँ तो सभी लोग यही समझेंगे कि मैं सिर्फ पैसों के लिए उनके साथ शादी कर रहा हूँ, और इसलिए वो अपना विचार छोड़ देते। हालांकि आखिर में जब स्टोरी खत्म हो जाती है तब तो वो करते ही है प्रपोज, और तब तो उनका खजाना भी उनको नहीं मिलता है, पर मोती तो हालांकि उनके पास होती ही है, पर फिर भी वो उनको प्रपोज करती है और वो मान भी लेती है। ठीक है, तो इस तरह का कैरेक्टर कि उनके नजरिए से वो बहुत अच्छी औरत है, खूबसूरत औरत है, बहुत ही मैनर्ड औरत है, और बहुत ही संकट में घिरी हुई है, अभी उनकी मदद करनी चाहिए। फिर उनके साथ उनका व्यवहार भी बताया गया है कि किस तरह से वो प्यार करने लगते हैं उनसे। शेरलॉक होम्स इज द लीडिंग कैरेक्टर ऑफ द एक्सट्रैक्ट, एक्सप्लेन कैसे कैसे हम कह सकते हैं कि जो एक्सट्रैक्ट है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो पात्र है वो शेरलॉक होम्स है। नंबर वन, शेरलॉक होम्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एक्सट्रैक्ट बिकॉज ही इज द वन हु इज टॉक्ड अबाउट बाय ऑल द अदर कैरेक्टर। सबसे बड़ी बात होती है, महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट पात्र कौन सा होता है जिसके बारे में सभी लोग बात करते हैं। जैसे मेरी मॉस्टर ने उनका नाम सुना है उनके मालकिन से, सेसिल फॉरेस्टर से, वॉटसन भी उनके बारे में बात कर रहे हैं, मेरी भी उनके बारे में बात कर रही है, तो ये सारे कैरेक्टर्स उनके बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए नंबर वन कैरेक्टर वही है। दूसरी बात, ये एक डिटेक्टिव नॉवल है और शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है, तो जाहिर है कि उनको ही इसका सबसे महत्वपूर्ण पात्र होना बनता है, उनका ही होना बनता है। नंबर तीन, कोई भी पात्र मदद मांगने के लिए अगर किसी के पास जाता है तो वो महत्वपूर्ण पात्र ही होता है ना। जैसे सेसिल फॉरेस्टर ने भी मदद मांगी है और मेरी मॉस्टन भी मदद मांग रही है, और सबसे मदद मांग सब सभी लोग उनसे ही मदद मांग रहे हैं। तीन चीजें हो गई। चौथी चीज मैं बताना चाहूंगा कि सबसे क्लेवर वो पात्र होने की वजह से सारे पात्र उनके पीछे चल रहे हैं, है ना, मतलब उनको ही फॉलो कर रहे हैं, उनके दिखाए गए रास्ते पर चलना, या फिर हम कह सकते हैं कि उन्होंने जो कुछ कहा वही सब सारे पात्र कर रहे हैं, तो इससे हमें पता चलता है कि उनका पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। So all the characters follow whatever he says, and therefore we can say he is the most important, the leading character in the extract.
डॉक्टर वॉटसन द नरेटर इज वन ऑफ द मेजर कैरेक्टर्स इन द नॉवल। डॉक्टर वॉटसन जो नरेटर है, तो सबसे बड़ी बात कि वो नरेटर होने की वजह से सारे जो घटनाएं हैं, सारी घटनाएं हैं वो ही बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि पूरी किताब में डॉक्टर वॉटसन हाजिर है, खुद हाजिर है, क्योंकि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो सारा डॉक्टर वॉटसन हमें बता रहे हैं। तो ये एक, क्योंकि वो पूरी किताब में छाए हुए है, ये एक मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। नंबर टू, जो लीडिंग कैरेक्टर है डॉक्टर शेरलॉक होम्स का, उसको उसकी वो मदद कर रहे हैं या फिर उसको हर समय वो उनके साथ रहते हैं, तो ये भी एक चीज बता रही है। उसके बाद में वो एक लीडिंग कैरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मेजर कैरेक्टर है, ये बात मेरी मॉस्टन के साथ उनके प्यार की जो कहानी है, उनकी जो लव स्टोरी है, ये बात भी ये दर्शाती है कि उनकी लव स्टोरी उसमें दी गई, मतलब वो भी एक मेजर कैरेक्टर है ना? तो ये तीन चीजें, he is there in the book throughout the book narrating us incidents and therefore we can say that he is a leading character or major character. Number two, he is there to help Sherlock Holmes in all the incidents in thick and thin, matlab अच्छे बुरे वक्त में वो शेरलॉक होम्स के साथ में है, ये भी हमें दर्शाता है कि वो एक मेजर कैरेक्टर है। तीसरा, जो एक एक एकमात्र लव स्टोरी या फिर द ओनली लव स्टोरी इन दिस बुक इज ऑफ डॉक्टर वॉटसन एंड मेरी मॉर्स्टन एंड देयरफॉर वी कैन से दैट ही इज अ मेजर कैरेक्टर। होम्स इज ऑलवेज वन स्टेप अहेड ऑफ डॉक्टर वॉटसन इन सॉल्विंग केसेस, हमेशा है, क्योंकि देखिए जब डॉक्टर वॉटसन वो पूछ रहे हैं, डॉक्टर वॉटसन उनसे पूछ रहे हैं कि भाई किस तरह से आप कहते हो डॉक्टर शोल्टो जब मर चुके, मेजर शोल्टो मर चुके हैं और उसी के बाद इनको मोती मिलना शुरू हुए हैं, तो मेजर शोल्टो के साथ इस इन मोतियों का कुछ ना कुछ कनेक्शन होना चाहिए, ऐसा जब डॉक्टर शेरलॉक होम्स डॉक्टर वॉटसन को बताते हैं, तो वॉटसन कहते हैं इसमें तो मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। फिर वो उनको बताते हैं कि किस तरह से जिस दिन वो मर गए उसी के बाद से उनको मोती मिलना शुरू हुए हैं, तो इसमें से वो कुछ तर्क निकालते हैं होम्स कि देखिए इसमें से क्या हो सकता है कि शायद वो भी जानते थे कि मेरी को ये देना है, पर उनके जो कोई वारिस है वो वारिस उनको ये मोती भेज रहे होंगे, शायद उनके पिता ने उनको कहा था कि इनको मोती भेजना है या फिर उनको खजाने का हिस्सा देना है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमेशा हमेशा शेरलॉक जो जो कुछ भी डॉक्टर वॉटसन सोचते हैं उसके वो हमेशा एक कदम आगे ही होते हैं, क्योंकि जब वो लाइसियम थिएटर पहुंचते हैं वहां पर भी जब वो गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं तो डॉक्टर वॉटसन को तो बस कुछ चीजें ही लंदन की पता है, पर होम्स को तो सारे सारा लंदन पता है, वो एक 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 जगह का नाम बताते हुए चलते हैं आगे। इसमें से भी हमको पता चलता है कि किस तरह से वॉटसन से एक कदम आगे डॉक्टर वॉटसन से एक कदम आगे शेरलॉक होम्स है। प्लॉट, अभी दूसरा जो क्वेश्चन है ये टू, अरेंज द सेंटेंसेस इन करेक्ट सीक्वेंस एज पर देयर अकरेंस इन द एक्सट्रैक्ट। 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी इसमें पहला है, होम्स पुट अ रिवॉल्वर इन हिज पॉकेट, होम्स गेव विनवुड्स बुक मार्टिरडम ऑफ मैन टू डॉक्टर वॉटसन, मेरी रिसीव्ड अ लार्ज एंड लस्टरस पर्ल थ्रू द पोस्ट, मेरीज फादर वाज एन ऑफिसर इन एन इंडियन रेजिमेंट, मेरी मॉस्टन वाज अ वेल ड्रेस्ड यंग लेडी, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो उनके पिता भारत में कहीं तैनात थे। उसके बाद में पांचवी चीज, उसके बाद में थर्ड सेंटेंस, देखिए अभी मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। तो चौथा क्या है कि मेरीज फादर वाज एन ऑफिसर इन इंडियन रेजिमेंट, ठीक है। पांचवा क्या है, मेरी मॉस्टन वाज अ वेल ड्रेस्ड यंग लेडी। अभी इसमें और तीसरे इसमें आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है, पर एक्सट्रैक्ट में वो किस तरह से आते, क्योंकि मेरी मॉस्टन सबसे पहले मिलने आती है ना, ये भी एक इसमें हम इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, पहला है मेरी मॉस्टन उनको मिलने आती है, फिर वो बताती कि उनके पिताजी कैसे इंडियन रेजिमेंट में काम करते थे, फिर तीसरा है कि कैसे उनको मोती मिलना शुरू हुए हैं,
और फिर होम्स गेव विनवुड्स बुक टू डॉक्टर वॉटसन एंड होम्स पुट अ रिवॉल्वर, क्योंकि रिवॉल्वर वो आखिर में जब वो लाइसियम थिएटर जाते हैं, और विनवुड का बुक कब देते हैं, जब वो घूमने के लिए बाहर जाते हैं तब, है ना। तो 5 4 3 2 1 इस तरह से ये सीक्वेंस है, देखिए 1 2 3 4 5 का 5 4 3 2 1 ये सीक्वेंस इन सेंटेंसेस का है। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फ्रॉम द लाइट ऑफ एक्सट्रैक्ट। द ट्रियो डॉक्टर वॉटसन एंड मेरी, द ट्रियो होम्स डॉक्टर वॉटसन एंड मेरी डिसाइड टू विजिट लाइसियम थिएटर। इसका क्या महत्व है, वो तीनों मिलकर लाइसियम थिएटर जाते हैं, इसका क्या महत्व है, क्या महत्व है कि वो तीनों, इसको हम ट्रियो कह सकते हैं, ट्रियो मतलब तीन लोग, है ना। ट्रियो गोज टू लाइसियम थिएटर एंड ओनली आफ्टर गोइंग टू लाइसियम थिएटर दे आर टेकन टू अ प्लेस वेयर दे फाइंड आउट हु। अभी ये एक्सट्रैक्ट में तो पूरी तरह से नहीं बताया गया है, पर वहां पर जाने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि उनको जो मोती भेजे जा रहे थे या फिर उनको कोई जो मोती भेज रहा था वो व्यक्ति कौन है, ये जानने में सबसे बड़ी मदद उनको होती है लाइसियम थिएटर जाने के बाद ही, क्योंकि वहीं से उनको वहां पर ले जाया जाता है जहां पर उनकी मुलाकात उस व्यक्ति से होती है, ठीक है। मेरी रिसीव पर्ल्स एवरी ईयर ऑन द सेम डे, मेरी को जो मोती मिल रहे हैं वो एक ही दिन मिल रहे हैं, इसका क्या महत्व है, इसका ये महत्व है कि उनके पिता, क्योंकि उनका, उनको जो मोती मिल रहे हैं उनके पिता की मौत, सॉरी मौत नहीं, तो उनके लापता होने के दिन ही हर साल उनको मोती मिल रहे हैं, और ये कनेक्शन हम जोड़ सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जो मिलने वाले मोती है और उनके पिता का लापता होना है, इन एक ही दिन ये सब हो रहा है, तो इसका मतलब इन दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन है, कहीं ना कहीं उनके पिता की वजह से ही उन्हें मोती मिल रहे थे, ये बात हमें पता चलती है। ये पता चलने में हमको इस बात का बहुत ज्यादा इस जबास की बहुत ज्यादा मदद हो रही है। होम्स केयरफुली एग्जामिन्ड द पेपर गिवन बाय मेरी, इसका क्या मतलब है कि मेरी ने जब उनको एक चिट्ठी दी उसमें उन्होंने देखा, उसको उन्होंने खोल कर देखा तो उस पर एक किले का चित्र था जिसमें कुछ चीजें लिखी हुई थी, द साइन ऑफ फोर वगैरह लिखा हुआ था, और फिर आखिर में उसमें चार लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। उसमें नाम किस किस के लिखे थे, उसमें नाम लिखे हुए थे मिस्टर मॉस्टन, उसके बाद में डॉक्टर अब्दुल, एक मिनट है मैं आपको नाम भी बता देता हूँ। तो उसमें नाम जो थे साइन ऑफ फोर, जोनाथन स्मॉल, एक स्मॉल है, उसके बाद में मोहम्मद सिंह है, अब्दुल्ला खान है और दोस्त अकबर, ये चार लोगों के इसमें नाम नहीं है। मॉस्टन जो है वो अंडमान निकोबार में कहीं पर वो डॉक्टर मेजर छोटो के साथ में वो रेजिमेंट में काम कर रहे हैं और वहां पर वो निगरानी कर रहे हैं, तो ये चार लोगों के नाम उनको उससे ही पता चलते हैं। सेटिंग क्या है, cite various references from the extract that tell us about the time and the period of the event's life. Dusty and muddy roads, dusty aur london ke raste dhool se aur keechad se bhare hue hai, matlab ye kaun sa kaal hai, ye time hai 18th century, hai na, 18th and early 19th century, aisa hum keh sakte hain, matlab 18वीं सदी का आखिरी भाग और 19वीं सदी का पहला भाग, ऐसा हम उसको कह सकते हैं। उसके बाद में स्टीमी एंड वेपरस एयर, हवा में बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं, धुआं है, भाप है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लाइटें वगैरह लगी हुई है वो सारी गैस पर या फिर तेल पर चलने वाली है, इसका मतलब ये होता है कि तेल पर ही ये सारी चीजें चल रही है और उसकी वजह से उसमें से धुआं उठ रहा है और बहुत सारा धुआं पूरी हवा में फैल चुका है, तो इसका मतलब क्या है, वक्त कौन सा है, फिर हम बता रहे हैं कि जब इस बिजली की क्या कह सकते हैं हम उपज नहीं हुई थी या फिर बिजली की खोज नहीं हुई थी तब की वो है, तो वो फिर से हम 18वीं सदी में जा रहे हैं। डर्टी डिमली लिट रोड, रोड
ज्यादा उजाला नहीं है, बहुत ही कम उजाला है, डिम उजाला है। तो ये भी जब से इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक लाइट्स वहां पर नहीं है। अगर इलेक्ट्रिक लाइट्स नहीं है तो इसका मतलब क्या होना है कि वो बहुत ही पुराना समय है। और कब का समय है, तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज होने के पहले का वो वक्त है, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो 18th century। हाउ डज द सीरीज ऑफ एक्शन गो फ्रॉम लंडन टू इंडिया, कैसे लंडन से इंडिया कैसे जाते हैं? तो वो कह रही है कि वो तो लंडन में है, सारी चीजें वो उनको बता रही है वो लंदन में, फिर कहानी बताते हुए वो इंडिया में पहुंचती है जहां उसके पिता तैनात किए गए थे मेजर शोटो के साथ, है ना? ठीक है। The extract begins when Mary Marston meets Sherlock Holmes at his house. After that, Holmes, Dr. Watson, Mary visit some places in London. Explain the detail various places mentioned in the extract. कहां पर मेरी उनको मिलती है, उनके घर पे, फिर वहां से वो अपने घर चले जाती है, और फिर बाद में आकर के वो तीनों भी लाइसियम थिएटर मिलने जाते हैं। वहां से वो लंदन के बहुत सारे एरिया से पार होते हुए एक बहुत ही साधारण से एरिया में वो आते हैं, वहां पे वो उस व्यक्ति से मिलते हैं जहां जो उन्हें मोती भेज रहा था, है ना, द पर्सन हु वाज सेंडिंग पर्ल्स टू हर। बेसिकली द सेटिंग ऑफ द एक्सट्रैक्ट इज इन लंदन बट सम रेफरेंसेस टू इंडिया टू, अभी इसको अभी हमने देख लिया है। Describe in brief the importance of the following places in the extract. London का महत्व क्या है? तो London में देखिए, उनके पिता भी London में आते हैं, वो उन्हें Langham Hotel में बुलाते हैं, पर वो मिलते नहीं हैं। Lyceum Theatre भी London में है, Holmes भी London में रहते हैं, तो ये सारी चीजें। आगरा, आगरा में क्या है? आगरा में किला है, fort and the treasure, ठीक है? आगरा में खजाना और किला दोनों भी है। बाद में Lyceum Theatre, Lyceum Theatre क्या है? तो लाइसियम थिएटर वो जगह है जहां पर उनको मेरी को उस व्यक्ति से मिलने के लिए बुलाया जा रहा है। फिर एडिनबर्ग, एडिनबर्ग कौन सी जगह है? एडिनबर्ग वो जगह है जहां पर मेरी को रखा जाता है हॉस्टल में, एडिनबर्ग के हॉस्टल में ही उन्हें रखा जाता है बचपन से। उसके बाद में अंडमान आइलैंड्स, अंडमान आइलैंड्स क्या है? अंडमान आइलैंड्स पर ही मेजर शोटो और मॉर्स्टन दोनों की ड्यूटी लगी हुई है, दोनों को वहीं पर तैनात किया गया है। ठीक है, चलो कंप्लीट, बोथ आर पोस्टेड देयर, कंप्लीट विच प्लेसेस इन इंडिया एंड इंग्लैंड आर मेंशन। फिर से वही बात है, अभी ऊपर की ही बातें हैं, आगरा है, अंडमान है इंडिया से, लाइसियम थिएटर है, लैंगम होटल है, और एडिनबर्ग है, एडिनबर्ग तो नहीं है, लंदन का रफ नेबरहुड है जहां पर वो व्यक्ति से मिलने के लिए उनको ले जाया जाता है। अब इनका महत्व क्या है? आगरा में से ट्रेजर मिल रहा है, अंडमान में वो सारे काम को है दोनों भी, मेजर शोटो और हॉस्टल, लाइसियम थिएटर में उन्हें बुलाया जाता है मिलने के लिए, लैंगम होटल में भी उसके पिता उसको बुलाते हैं मिलने के लिए पर वो मिलते ही नहीं है, और रफ नेबरहुड में उनको ले जाया जाता है जहाँ पर वो मोती भेजने वाले व्यक्ति से उनकी मुलाकात होने वाली होती है। Brief theme of extract, वो तो बता दिया है कि in search of a person sending pearls to Mary, है ना? इसकी थीम क्या कह सकते हैं कि उस व्यक्ति को ढूंढना जो मेरी को मोती भेज रहा है, ये हम उसकी थीम हम कह सकते हैं। Write 4-5 sentences about meeting of Miss Marston with Holmes. क्या 4-5 sentence क्या लिखने हैं कि कैसे वो number 1 वो कहती है कि आपका नाम मुझे किसने दिया है? सेसिल फॉरेस्टर ने दिया है, फॉरेस्टर ने बताया जो मेरी मालकिन है, फिर आपने बहुत अच्छी तरह से उनकी मदद की है, आप बहुत ही काइंड और केयरिंग हो, ऐसा उसने बताया। फिर तीसरी बात वो कहती है कि मैं आपके यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई हूँ, और वो उनको पूरी कहानी बता देती है, और आखिर में वो उनको बताती है कि आज मुझे मोतियों के साथ साथ एक चिट्ठी भी मिली है और आज मुझे बुलाया गया है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वहाँ पर आए। ठीक है, Write the central idea given in the extract, the sign of the four. Central idea, novel. Novel की central idea क्या है? कि किस तरह से वो जो खजाना है, है ना? In search of the treasure and finally how everyone who comes in the contact with the treasure is badly affected by it. Okay? फिर give reasons है. Mary Marston plans to seek her, क्योंकि उनको वो क्यों Sherlock Holmes की मदद लेती है? क्योंकि उनको लगता है कि शेरलॉक होम्स ही उनकी मदद कर सकते हैं। गिव्स द रेफरेंस ऑफ सेसिल फॉरेस्टर, क्योंकि वो उन्हें
बताना चाहती है, शी वॉन्ट्स टू रिमाइंड हिम ऑफ द लेडी, क्योंकि उनकी मदद उनकी वो करे, इसीलिए इट्स अ सिंगुलर केस, क्योंकि वो यूनिक है, एक में ऐसी केस है। होम्स नीड सम रेफरेंसेस, क्यों रेफरेंस होने चाहिए, क्योंकि उन्हें उनको कहानी के बारे में ज्यादा पता करना है, इसलिए। मिस मॉस्टन रिसीव्ड अ पर्ल एवरी ईयर, क्यों, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वो उनके साथ अन्याय हुआ है और उनका अधिकार उस खजाने के कुछ भाग पर, कुछ हिस्से पर है। द कोचमैन कंफर्म दैट नीदर, क्योंकि उनको कोई किसी झमेले में नहीं पड़ना था, ऐसा आदेश ही उनको दिया गया था कि पुलिस हो या ना हो, या फिर पुलिस ना हो, इसकी क्यों हमको केयर करनी है, क्योंकि हमें कोई लफड़े में नहीं पड़ना है, इसलिए। लैंग्वेज, आखिर में, यू रियली आर एन ऑटोमेशन, अ कैलकुलेटिंग मशीन, ऐसा डॉक्टर होम्स शेरलॉक, डॉक्टर वॉटसन शेरलॉक होम्स को कह रहे हैं, क्योंकि वो मानता है कि वो अपनी भावनाओं को बिल्कुल भी अपने विचारों पर हावी नहीं होने देता है, और इसीलिए वो उनको उस तरह से मान रहे हैं। The letter speaks of giving her justice. What justice can she have? क्या ऐसी कौन सी बात है जो पत्र कह रहा है कि उनके साथ अन्याय हुआ है और अभी नया न्याय होगा, तो उनके पिताजी के हिस्से का जो खजाने वाला भाग था वो उन्हें देना चाहते हैं, या फिर उनके पिताजी के लापता होने की वजह उनको उसमें से मिलने वाली है, यही बहुत बड़ी बात हो रही है। Our quest does not appear to take us to very fashionable region. और वो बता रहे हैं कि हम जहाँ पर भी जा रहे हैं, मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छी जगह पर नहीं जा रहे हैं, ये बहुत ही साधारण सा इलाका लंदन का है, हम अच्छी जगह पर बिल्कुल भी नहीं जा रहे हैं, है ना। सम डायलॉग्स, अब कुछ डायलॉग्स दिए हुए हैं। आखिरी सवाल है कि यू हैव वंस एनेबल्ड माय एम्प्लॉयर मिसेस सिसिल फॉरेस्टर टू अनरेवल अ लिटिल डोमेस्टिक कॉम्प्लिकेशन, कौन बोल रहा है, ये मेरी कह रही है, किससे कह रही है, शेरलॉक से कह रही है, क्यों कह रही है, क्योंकि वो उन्हें कुछ बताना चाहती है जिसकी वजह से उसको थोड़ी सी मदद हो। यू विल, आई एम श्योर, एक्सक्यूज मी, ये कौन कह रहा है, डॉक्टर वॉटसन कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, शेरलॉक होम्स से कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कि उन्हें लग रहा है कि ये शेरलॉक होम्स से मदद मांगनी आई है और मुझे इनके बीच में नहीं रुकना चाहिए, ऐसा कहकर पोलाइटली, है ना, टोन क्या है, बहुत ही पोलाइट है, स्टाइल क्या है, डायरेक्ट है। योर स्टेटमेंट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग, हैज एनीथिंग एल्स अकर्ड टू यू, ये कौन कह रहा है, शेरलॉक होम्स, किससे, मेरी से कह रहे हैं, इसका टोन क्या है, इंक्वायरिंग है, मतलब क्वेश्चनिंग टोन है, वो सवाल पूछ रहे हैं। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो कहानी के बारे में और ज्यादा जानकारी जुटाना चाहते हैं। आर यू द पार्टीज हु कम विद मिस मॉस्टन, कोचमैन पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, डॉक्टर वॉटसन से और शेरलॉक होम्स से, क्यों पूछ रहा है, उसका क्या है, वो इंक्वायरी कर रहा है, टोन स्टाइल क्या है, डायरेक्ट है, और सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो जानना चाहता है कि कहीं ये कोई और तो नहीं है ना। और आखिर में द साहिब अवेट्स यू, ये कौन कह रहा है, खिदमतगार कह रहा है, किससे कह रहा है, जो लोग सभी तीनों के तीनों जो वहां पर आए हैं गाड़ी से उतर कर, है ना, उसका टोन क्या है, वो बताना चाह जानकारी दे रहा है, ही इज गिविंग देम इंफॉर्मेटिव, इट इज इंफॉर्मेटिव, ही इज गिविंग देम इंफॉर्मेशन, स्टाइल क्या है, डायरेक्ट है, और सिग्निफिकेंस क्या है, कि वो बताना चाह रहा है कि कितनी देर से मालिक आपकी राह देख रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये सारा लेसन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट्स आपके होंगे तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेज दीजिएगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया है, पसंद आया है तो उसको लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और पवन वाघ एकेडमी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।